हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो देन हाय एवरीवन, माय नेम इज विवेक। आज की वीडियो में मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ पीएच टेस्ट ऑफ सोप्स पार्ट टू। मेरे पास काफी सारे सोप्स हैं तो बेसिकली ये पार्ट टू होने वाला है, क्योंकि इससे पहले मैंने ऑलरेडी पीएच टेस्ट ऑफ सोप पार्ट वन कर चुका है। सो गाइस, पार्ट वन में मेरे पास बहुत सारे लोगों का कॉमेंट आया था कि वहां पर कुछ सोप्स ऐसे थे जो बच गए थे, तो मैं उन सोप्स का आज रिव्यू करने जा रहा हूं। और आपको ये भी बताऊंगा सर कि कंपनीज हमें सोप्स के बेसिस पर क्या आखिर बेच रही हैं। तो बिना देरी करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने ऑलरेडी पार्ट वन इसका शूट कर चुका है। तो अगर आप लोगों को ये जानना है कि पीएच होता क्या है, पीएच के टाइप्स क्या होते हैं, एसिडिक, बेसिक और एल्कलाइन पीएच के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो आप मेरी पार्ट वन देख सकते हो। वहां पर मैंने क्लियरली डिटेल में एक एक चीज बताया है। सबसे पहले जिस सोप का मैं पीएच टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा वो बेसिकली है हमारा पियर्स सोप। तो बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट आया था कि आपने पीएच पियर्स का नहीं टेस्ट किया है, तो प्लीज हमें पीएच पियर्स का टेस्ट करके दिखाइए। तो चलिए इसका पीएच टेस्टिंग शुरू करते हैं। सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे पियर्स सोप है। तो इसका पीएच टेस्ट करने के लिए सबसे पहले मैं इसको वाटर से गीला करूंगा। तो मैं यहाँ पे पानी लगा देता हूँ ताकि इसमें थोड़ा सा लैदर हो सके, मतलब फोम बन सके। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो इस सोप में एकदम लैदर हो गया है। अब मैं इस लिटमस पेपर को इसके ऊपर रखूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लिटमस पेपर अपना कलर चेंज कर रहा है, देखिए। और अब मैं इस लिटमस पेपर को थोड़ी देर के लिए इसी में रहने दूंगा। और ये मैं आपको लाइव डेमो दे रहा हूँ पियर्स सोप का। सो गाइस, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो हमारा जो लिटमस पेपर है उसका कलर 15 सेकेंड्स के बाद चेंज हो गया है, और उसका जो कलर है वो काफी ज्यादा डार्क ग्रीन कलर का आया है। तो जिसके हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि जो इसका पीएच है वो अराउंड 8 है। हमारी स्किन के लिए जो नॉर्मल पीएच होता है वो अराउंड 3.5 से 5.5 के बीच में होता है एक हेल्दी स्किन के लिए, लेकिन इसका जो पीएच है वो 8 आ रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्श है हमारी स्किन के लिए, स्पेशली ड्राई स्किन के लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा हार्श, क्योंकि उनकी स्किन को और ज्यादा ड्राई बनाएगा, उनकी स्किन से मॉइस्चर को लेस करेगा, जिसकी वजह से उनकी स्किन और ज्यादा ड्राई होगी, उसकी वजह से उनकी स्किन में क्रैक्स वगैरह आएंगे। तो डेफिनेटली ड्राई स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा ऑल्टरनेटिव नहीं माना जाएगा। और सेकेंडली, इसका जो पीएच है वो भी बहुत ही ज्यादा है, और तो आपके फेस के लिए भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपकी ऑयली स्किन है या आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है और आपकी सेंसिटिव स्किन है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आपकी स्किन को धीरे धीरे अंदर के जो सेल्स हैं उनको डैमेज कर रहा है। सो गाइस, जो नेक्स्ट सोप है जिसकी मैं पीएच टेस्टिंग करूंगा, इसकी मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट और कमेंट्स आई थी कि प्लीज इसका पीएच टेस्ट करो, तो वो है हमारा जॉनसन्स बेबी का जॉनसन बेबी सोप। तो चलिए इसकी पीएच टेस्टिंग करके देखते हैं। सो गाइस, अब मैंने इसके ऊपर लिटमस पेपर रख दिया। जैसे कि आप देख सकते हो लिटमस पेपर का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो हम वेट करेंगे 15 सेकंड्स और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका पीएच आखिर है कैसा। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो जॉनसन एंड जॉनसन का जो पीएच है वो अराउंड हमारा 5 आया है, जो कि एक ओके पीएच है हमारी स्किन के लिए, क्योंकि हमारी स्किन का आइडियल पीएच 3.5 से 5.5 के बीच में होता है। तो इसका जो पीएच है वो 5 आया है, तो मैं बोल सकता हूँ कि अच्छा है, बेबीज की स्किन पे आप इसको यूज कर सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं देगा, उनकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा, हार्श नहीं है, तो डेफिनेटली एक अच्छा नॉर्मल पीएच है एक आइडियल और हेल्दी स्किन के लिए, डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हो। सो गाइस, नेक्स्ट सोप जो जिसका हम पीएच टेस्टिंग करेंगे वो है हमारा लक्स। मेरे पास ये लक्स दो वेरिएंट में है, एक ब्लू वाला है और एक है मेरे पास जैस्मिन और विटामिन ई वाला, और एक है कूल स्प्लैश वाला। तो चलिए इन दोनों की टेस्टिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, चलिए अब इसकी पीएच टेस्टिंग शुरू करते हैं। तो मैंने एक ही लिटमस पेपर को दो उसमें डिवाइड कर लिया है, तो एक लिटमस पेपर गया इसके ऊपर, एक गया इसके ऊपर, तो फिर वेट करेंगे और चेक करेंगे इसका पीएच है कितना। तो इसका पीएच टेस्टिंग के लिए हमें वेट करना ही नहीं पड़ा, आप इटसेल्फ देख सकते हो कि एकदम से इसका कलर ट्रांसफॉर्म हो गया लिटमस पेपर का, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला कलर आया है इस पे। चलिए टेस्ट करते हैं इसका पीएच आखिर है कितना। सो गाइस, आप देख सकते हो इसका जो पीएच है वो कितना
इतना ज्यादा जो लिटमस पेपर है वो कितना ब्लू हो गया है। तो जो इसका पीएच है वो अराउंड 11 आया है, एक अराउंड 11 आया है, जो कि बहुत ही ज्यादा वाहियात और बहुत ही ज्यादा घटिया है। पिछली वीडियो में मैंने विम का पीएच टेस्ट किया था तो वो भी अराउंड 11 आ रहा था। तो अगर आप लोग लक्स यूज करते हो तो प्लीज आप लक्स में पैसे बर्बाद ना कर आप एक विम खरीदिए, उसी से अपने कपड़े भी धोइए, उसी से अपना मुंह भी धोइए, उसी से आप नहाइए भी। तो प्लीज इसका जो पीएच है वो बहुत ज्यादा हार्श है। प्लीज जो लोग लक्स यूज कर रहे हैं प्लीज वो लक्स यूज करना बंद कर दे, ये उनकी स्किन के जो इनर सेल्स है उनको बहुत ज्यादा डैमेज कर रहे हैं और इन फ्यूचर आपको स्किन रिलेटेड बीमारियां हो सकती है। तो प्लीज प्लीज आप इसका यूज करना बंद कर दें। सो गाइस नेक्स्ट जो सोप है जिसके हम पीएच टेस्ट करेंगे वो है हमारा सिंथॉल। गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसको वेट कर लिया है, अब इसके ऊपर रखूंगा मैं हमारा लिटमस पेपर। सो गाइज आप देख सकते हो इसका जो पीएच है वो अराउंड 11.5 आया है, तो अगेन लक्स से भी ज्यादा खतरनाक है ये, डेंजरस है ये। और एक रेप्यूटेड हमारी गोदरेज कंपनी की तरफ से ये सोप आ रहा है। आप देख सकते हो इसका पीएच कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा हार्श है, कितना ज्यादा डैमेजिंग और डिजास्ट्रस है हमारी स्किन के लिए। तो जो लोग सिंथॉल यूज कर रहे हैं प्लीज गाइज मत यूज कीजिए, और जो लोग जो बॉयज हैं ज्यादातर बॉयज जेंट्स वगैरह यूज करते हैं सिंथॉल प्लीज डोंट यूज इट, ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा गंदा है मैं बोल सकता हूँ। मैं भी सिंथॉल यूज कर रहा था पिछले 6-7 महीनों से, तो मुझे पता नहीं था इसके पीएच, ये आज मुझे पता चला, अब मैं इसको बिल्कुल यूज नहीं करूंगा। सो गाइज नेक्स्ट सोप जिसकी मैं पीएच टेस्टिंग करूंगा वो है हमारा पतंजलि का एलोवेरा कांति सोप। हमारे बाबा रामदेव जी की ब्रांड है, तो चलिए देखते हैं इसका पीएच आखिर है कैसा। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं इसके बेस मटेरियल में जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है वेजिटेबल ऑफ बेस नूडल्स। ये है क्या, इसमें नूडल्स का क्या इन्होंने डाला है, मुझे समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या है और क्या नहीं है, लेट्स चेक इट आउट। तो चलिए गाइस इसका पीएच टेस्ट करते हैं। क्या है ये, इसका जो पीएच है वो 12 या 13 आ रहा है गाइज, ये क्या है, ये क्या नौटंकी है बाबा रामदेव की तरफ से। ये इसको भी बिल्कुल आप यूज मत कीजिए, अगर आप पतंजलि के मुल्तानी मिट्टी रोज चंदन वाले सारे सोप यूज किया, आप ये एलोवेरा वाला यूज करते हो सोचते हो हमारी स्किन मॉइस्चराइज मखमली मुलायम हो जाएगी, बिल्कुल यूज मत करना क्योंकि उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे कि आप लोग खुद ही देख सकते हो, आपके सामने प्रूफ है कि किसका पीएच आखिर है कितना। तो बाबा रामदेव प्लीज आप लोगों को बेवकूफ मत बनाइए ये बोलकर कि आप नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करते हो, उसके बाद आप नूडल नाडल पता नहीं क्या यूज कर रहे हो चाइनीज प्रोडक्ट्स इसमें, तो अगेन बहुत ही ज्यादा वाहियात और बहुत ही ज्यादा घटिया है ये। नेक्स्ट पीएच टेस्टिंग करेंगे हम हमारे नए ब्रांड जो कि अभी मार्केट में है, इंडियन ब्रांड श्री श्री तत्व। मैंने इस ब्रांड के बारे में कभी सुना नहीं था, मार्केट में मिल रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए इसकी भी पीएच टेस्टिंग कर दूं, जो कि मेरे पास रोज वेरिएंट में है। तो चलिए इसकी पीएच टेस्टिंग करके देखते हैं। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो श्री श्री जी का जो पीएच है वो अराउंड 7 आया है। कैमरे पे आपको थोड़ा ब्लूइश लगेगा बट इसका जो पीएच है वो 7 आ रहा है, और जो कि अगेन जो पीएच होता है वाटर का वो भी 7 होता है, और पीएच 7 होने का मतलब न्यूट्रल होता है, ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक। तो मैं मान सकता हूँ कि अगेन सही नहीं है हमारी स्किन के लिए, क्योंकि आइडियल पीएच अराउंड 3.5 से 5.5 होता है। अगर ये उतना होता तो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ इसे यूज करो, तो अगेन एक क्वेश्चन बन जाता है कि एक नई ब्रांड मार्केट में आई है और अभी से इतना हार्श प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रही, तो डेफिनेटली अ बिग नो नो। और इंडियन ब्रांड है और इंडियन ब्रांड होकर ये ऐसा कर रही है इंडियंस के साथ, तो डेफिनेटली ऐसा खेलो मत और बिल्कुल भी सही नहीं है। डेफिनेटली इसको भी यूज आप मत कीजिएगा अगर अपनी स्किन को अच्छा हेल्दी और ग्लोइंग देखना चाहते हो तो। सो गाइस जो कि हमारा लास्ट सोप है वो है हमारा डिटॉल का ओरिजिनल सोप। वैसे मैंने इसका जो ब्लू वाला वेरिएंट है जो कि कूलर ऐसे कुछ नाम है उसका, वो मैंने पार्ट वन में दिखा रखा है, तो अगर आप लोगों को वो उसका पीएच टेस्टिंग देखना है तो आप पार्ट वन में जाकर देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक में दबाकर या आई बटन में क्लिक कर। गाइस अब इस पे हम लिटमस पेपर रख के चेक करते इसका पीएच आखिर है कितना। गाइस हमने सोचा था क्या और हो गया क्या, इसका जो पीएच है वो भी बहुत ज्यादा हार्श है। आप लिटमस पेपर को देख सको तो कितना ज्यादा ग्रीन हो गया है, तो अगेन इसका जो लिटमस पेपर है वो भी पेयर्स की तरह 8 है, बहुत ज्यादा हार्श है, बहुत ज्यादा डैमेजिंग और बहुत ज्यादा ड्राइंग है हमारी स्किन के लिए। ड्राई स्किन लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, हमारी स्किन के इनर सेल्स के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। दूसरा अगर हम इस तरीके के इतने हाई पीएच वाले सोप्स यूज करेंगे तो हमारी स्किन में बहुत जल्दी एज स्पॉट्स रिंकल्स वगैरह एजिंग वगैरह दिखने लग जाएगी, और हमारी स्किन से जो हमारा मॉइस्चर है वो भी हमारी स्किन
खत्म, वो भी हमारी स्किन से खत्म हो जाएगा, हमारी स्किन के इनर सेल्स अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से हमें हाइपरपिगमेंटेशन भी हो जाएगी। तो डेफिनेटली आप इस सोप को भी मत यूज करिएगा। ये था मेरा रिव्यू, पीएच टेस्टिंग, एक ऑनेस्ट रिव्यू था मेरा, जो कि मेरे पास जो हाईली रिक्वेस्टेड जो कमेंट्स आ रहे थे आप सबके, उन सब सोप्स का मैंने पीएच टेस्ट आपको करके दिखा दिया और आपको रिजल्ट्स भी पता चल गया कितना ज्यादा भयानक और कितने ज्यादा अच्छे आए हैं। सो गाइज, मुझे जो रिक्वेस्ट आई थी, जो कमेंट आया था फियामा सोप के बारे में, आई एम रियली सॉरी गाइज, मैं बहुत ज्यादा माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे, मैं देहरादून में जहां पर रहता हूँ, यहाँ पर फियामा का सोप नहीं मिला। मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर, केमिस्ट शॉप्स, छोटी मोटी दुकानें भी जाके चेक करी, लेकिन मुझे वहां पर भी फियामा का सोप नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हम आजकल इस ब्रांड का सोप रखते नहीं है। तो मैं डेफिनेटली आपको एक शॉर्ट्स में वीडियो डाल दूंगा फियामा के पीएच टेस्ट की, अगर मुझे इन बाय चांस ऑनलाइन मिलता है तो मैं ऑनलाइन बाय करके मैं उसकी वीडियो डाल दूंगा। तब